वो जब माँ वक्त लाल किले पे खड़ी होकर ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रही थी, मौत का सौदागर कह रही थी, जब नहीं देखी किसी ने, जब सारी कांग्रेस पार्टी सो रही थी क्या? भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन आदमी थे? इंशाल्लाह शर्मिंदा, तुम्हारे कातिल जिंदा है, है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत जोड़ने के बाद उसको कौन पूछ रहा अब? साला ऐसी करने के लिए वहां घूमने गया था, बर्फ में घूम रहा था, ऐसी कर रहा था अपनी, है? फिरोज खान का पोता क्या बोलता जब नहीं दिखती किसी ने? आंख मारता जब नहीं दिखती उसने? मीठा मीठा ही होता है, ये ध्यान रख लेना। है हिंदू राष्ट्र यार, बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है और था और रहेगा। कई बार ऐसा होता था, जिंदा जिंदा पत्रकार जलाए जाते थे, ऐसा राज भी था। किसी को ये नहीं कह जाता है भाई ये मुसलमान, इसको राशन नहीं देना, हटाओ। सबको मिलता मेरे भाई, बोल रहे राहुल गांधी मर चुका, खुद बोल दिया उन्होंने, राहुल गांधी मर गया, उन्हें खुद ही बोला था ना भारत जोड़ो यात्रा में, एक बार ही बोला था ना, बाकी भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी। बोल रहे हैं कि देश को अडानी अंबानी के नाम कर दिया गया, बेच दिया गया देश। कौन बहन बोल रहा है बताओ? विपक्ष। कौन सा विपक्ष? खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, बच गया नहीं, कुछ नहीं है। बोल रहे की राहुल गांधी मर चुका, खुद बोल दिया उन्होंने, राहुल गांधी मर गया, उन्हें खुद ही बोला था ना भारत जोड़ो यात्रा में, एक बार ही बोला था ना, बाकी भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी, तो मर चुका वो, तो तुम्हें ही पता इस बात का। तो लेकिन कहते थे कि दिल्ली में हम अपना मेयर बनाएंगे, लेकिन तीन बार लड़ाई हुई, चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर बना लिया है। कहाँ सच्चाई है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। चौथी बार में बना है कि नहीं बना है? बना है, लेकिन एक चीज सुनो, कुछ चीजें दिखाने के लिए कई जगह सरकार भी लेनी पड़ती है ना, देनी पड़ती है, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद तुम एक नई न्यूज चलाओगे, मनीष सिसोदिया जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में। जेल में तो नहीं है ना अभी? अरे वो ही तो कह रहा हूँ, कुछ दिनों बाद चलाओगे आप, कुछ चीजें होएगी ऐसी मेरे भाई, वो अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत चीजें होंगी ऐसी। लेकिन एक वीडियो भी और वायरल हो रहा है, रेखा गुप्ता माइक तोड़ती हुई नजर आ रही है। राजनीति होती है तो तोड़फोड़ करनी पड़ती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है लग रहा है। मेन मुद्दा क्या भटकाने की कोशिश? बेरोजगारी, महंगाई। कहाँ बेरोजगारी? दो चुप 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 चुप। 2014 से पहले तू क्या करता था? जब वो मेरा काम है। हाँ। वो मेरा काम है। नहीं आप काम नहीं, आप दूसरे का काम। आप दूसरे को जस्टिफाई ना करेगा, क्यों नहीं करेगा तू? मतलब तुम पे बात आए तो गलत हो जाएगा सब कुछ। ये तो मैंने कैमरे पे कहा नहीं, तो मैंने कैमरे पे कहा नहीं, कैमरे में सब रिकॉर्ड है। बोल दीजिए मैंने कहा, बोल दीजिए मैंने कैमरे पे कहा। बेरोजगारी का सवाल उठाया? बेरोजगारी का सवाल जो है, मैं वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले महाराज तुम क्या कर रहे थे ये तो बता दो। आप बता दीजिए, अपने अपने पे बता दीजिए आप। मैं तो बताऊंगा तो मैं तो यही दिखाई देता हूँ, देख ले तीनों को जो फोन है तो क्या कमा रहा होगा देख ले। और कहते हैं ना पकोड़े तलने की बात, मिठाई की दुकान है मेरे भाई बस, और बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा जिंदगी का, और ऐसा सुकून कभी मिला नहीं होगा जैसा अब मिल रहा है। भाई मेरे तो पकोड़े की दुकान है, मैं भी एक पेपल के मोबाइल लेके चला हूं, देख ले आराम से। पवन खेड़ा के बयान पे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ पवन खेड़ा के बयान पे बात कर लेता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ उनके बयान पे बोल दिया गया। अब मोदी जी जाके कहते हैं कि दीदी 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 ओ दीदी, और नेहरू के ऊपर बयान देते हैं, वो बातें नहीं आता। एक मिनट, पहली बात तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने खुद नेहरू का नाम लिया नहीं लिया ना, और पवन खेड़ा क्या कह रहा है? क्या कह रहा पवन खेड़ा ये तो बताओ, पवन खेड़ा क्या कह रहा है ये तो बता दो महाराज। वो बातें ऐसी कर रहा किसी, और तुम एक माननीय प्रधानमंत्री के बारे में किसी की माँ के लिए विधवा औरत बोल देना, ये किसकी माँ के लिए है यार? वो जब माँ वक्त लाल किले पे खड़ी होकर ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रही थी, मौत का सौदागर कह रही थी, जब नहीं देखी किसी ने, जब सारी कांग्रेस पार्टी सो रही थी क्या? सो रही थी क्या? है फिरोज खान का पोता क्या बोलता जब नहीं दिखती किसी ने? आंख मारता जब नहीं दिखती उसने? मीठा मीठा ही होता है, ये ध्यान रख लेना। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग करते हैं उसको, मतलब हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? है हिंदू राष्ट्र यार, बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है और था और रहेगा, ठीक है ना। इसमें एक बात सोच के चलो, कोई भी बंदा कहीं भी जाता है ये थोड़ी कहेगा कि मैं पाकिस्तान का हूँ, ये कहेगा हिंदुस्तान का हूँ, तो हिंदू राष्ट्र बन गया, कहने की जरूरत ही ना इसमें। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ। बहुत चीजें अच्छी है यार हिंदू राष्ट्र के लिए, तुम्हारे लिए भी अच्छी है, उसके बाद मान के। अरे सुनो सुनो, मेरे लिए जनता है। अरे सुन तो लो, जनता होगी जब तो तुम होगे, जनता होगी जब तो तुम होगे। मैं जब यही तो तभी बोल रहा हूँ, मेरे लिए फिर वही तो मैं बात कह रहा हूँ, जनता होगी जब तो तुम होगे।
अब जनता होगी जब तुम बोलोगे। अगर कुछ चीजें ऐसी होगी जब तुम ही नहीं रहोगे तो किससे सवाल पूछवाछ करोगे, जब तुम रहोगे नहीं। कई बार ऐसा होता था जिंदा पत्रकार जलाए जाते थे, ऐसा राजवीता नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ वही तो बता रहा हूँ महाराज, इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और बनाना क्या, बन चुका यार, कहने की जरूरत नहीं है इसमें, तो बन चुका वो तो। 2024 में क्या मोदी जी आएंगे या वापसी होगी या फिर एक बार जो भारत जोड़ो यात्रा? यार बार बार ये सवाल मत पूछो, उसके लिए किसी को नहीं। अब की बार सबसे ज्यादा सीटें आने वाली है, ठीक, बिल्कुल बहुमत से। किसी की चे 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 पैचे किसी का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना भो 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 भो, करने दो जिसको करना, लेकिन आने तो प्रधानमंत्री है ही, ठीक है, दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2024 में प्रधानमंत्री मिलेंगे तुम्हें, और बताओ। लेकिन तो जो ये भारत जोड़ो यात्रा से अपनी एक इमेज सुधारने का काम किया है राहुल गांधी ने, कहां इमेज सुधारी है भाई, कहां इमेज सुधारी है? एक बात बता, मैंने एक बात तुमसे ही पूछ रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन आदमी थे? इंशाल्लाह शर्मिंदा तुम्हारे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं गाली इतनी बुरी दे सकता हूँ कन्हैया कुमार के लिए, उसके नहीं 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 गाली नहीं, गाली नहीं भाई, देश तोड़ने की बात कर रहा है ना, देश तोड़ने की बात, सुअर का बीज है वो, साला सुअर का बीज, वो देश तोड़ने की बात कर रहा है जो ऐसी ऐसी, ठीक, ऐसे कन्हैया कुमार को लेके भारत जोड़ने की यात्रा कर रहा है वो, है भारत जोड़ने के बाद उसको कौन पूछ रहा है? अब साला ऐसी करने के लिए वहां घूमने गया था, बर्फ में घूम रहा था, ऐसी कर रहा था अपनी, देखी नहीं तुमने? भारत जोड़ने के बाद देश के लिए कुछ करता, लेकिन वहां क्या करने गया, वो छुट्टियां बना रहा है। आज लग प्रधानमंत्री ने बनाई नहीं एक भी छुट्टी, वो कैसे बना रहा, ऐसे लीडर नहीं बनते। सप्ताह अगर किसी को, किसी का बाप राजा, दादा फिरोज खान है, ये चीजें किसी को मिल जाती है ना, जब कि मैं घर पे पैसा इम्तिहान पड़ा था और वो चीज मुझे मिल गई तो मैं ऐसी काटूंगा, उसको कह दे ऐसी काटे, शादी वादी कर ले, मजे ले जिंदगी के, मत पड़ राजनीति उसके बस की बात। आरोप ये भी लगा दी कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मेन मुद्दे ढकने की कोशिश की जाती है। कौन सी जगह हिंदू मुस्लिम हुई? एक मिनट भाई, कहां हिंदू मुस्लिम? विपक्ष कहता है, विपक्ष का तो कहने का मतलब ही है, विपक्ष बोलेगा नहीं तो किसको पता चलेगा विपक्ष भी है। आज तक कुछ भी स्कीम आती है, ये कहते हैं कि ये हिंदुओं के लिए है, ये कहते ना सबका साथ सबका विकास, ये बोला जाता नहीं, बोला जाता किसी को ये नहीं कहा जाता है भाई, ये मुसलमान इसको राशन नहीं देना हटाओ, सबको मिलता मेरे भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट जितना भी होगा एम्स के अंदर जाओगे सबको मिलेगा, कोई ये नहीं देखा जाएगा कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ठीक है ना। और बहुत चीज़ें सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए की जाती है मेरे भाई, कि भाई शांत रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इन चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक। और अपने में जाके देखे ना कांग्रेस, अपने अंदर जाके देखे, 2007-8-9 की बात है, नौ में मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था कि जितने देश के संसाधन हैं सबके अधिकार मुसलमानों का है, जब कहाँ चली गई थी कांग्रेस पार्टी, वो अपना बैकग्राउंड भी देख लो। 2024 में विपक्ष में कौन है, कौन लगता है आपको विपक्ष में? कोई भी नहीं है। टक्कर देने वाला कोई है आपके हिसाब में? यही तो कहता हूँ, एक अच्छा लीडर ढूंढे ना कांग्रेस पार्टी, अच्छा लीडर तो मिल जाए उनको, जब तो विपक्ष मजबूत हो सकता नहीं, इतने मजबूत नहीं हो पाएगा।